अच्छा गाना सुने। इस गाने का शीर्षक है अछूत पर अत्याचार। जैसा कि आए दिन देखा जाता है पेपर में, पत्रिकाओं में ये घटना छपती रहती है, तो ये घटना है भूमिका बा कि जहां देश को लोग आजाद कहते वहीं की धरा पर है अब भी गुलामी। गोरे गए छोड़ करके यहां पर वाकई अपनी औलाद नमक हरामी। इज्जत बची है जहां द्रौपदी की वही चीर को खींचते आज कामी। कब तक हमें रौंदते तू रहोगे कि कब तक करेंगे तुम्हारी सलामी। अंग्रेज ये देश के छोड़ के चल गिलन, लेकिन अंग्रेजों का कुछ कुछ अब नाती जौन भाई देश में बच गए बाड़न, जौन की अपनी आदत से बाज ना आवत हुवन। कुछ लोग ऐसनो बाड़न धरती पर ये देश में जे कि अपन इज्जत के इज्जत बुझत हुवन, दूसरे के इज्जत के मात्र खिलौने बुझत हुवन। लेकिन एक लाइन यहाँ कव्वाली के नमूना बा कि चोट पत्थर को लगी सुन ले सनम, प्यार की चादर पुरानी हो लेकिन ऐसे अत्याचारी जो दूसरे की इज्जत से खेलना जानते हैं उनके ऊपर भाव दिया गया है कि अरे खून पीते हैं जहां के लोग सबल, खून पीते हैं जहां के लोग सबल, हम गरीबों को जीना धिक्कार है। हम गरीबों को जीना अधिकार है। इसलिए कहना है, आह्वान किया गया है 85% के लोगों को कि मौत को सीधे लगा दो दाव पे, अरे मौत को सीधे लगा दो दाव पे और कह दो लड़ने के लिए तैयार है। सहन कभी कोनो सीमा होला, बर्दाश्त कभी कोनो सीमा होला। सीमा के बाहर जब बात होवे लगी तो केहू भी ए स्थिति में आ जाई। वह स्थिति अब धीरे धीरे आ रहल बा। और कहना बा कि सबलों ने निर्बलों को धोखे से है मारा, श्री राम ने शंभू की गर्दन को उतारा, सुग्रीव को मिलाकर बाली का वध किए, वृंदा से भोग करके जालंधर को हत दिए। आज वे सही नहीं खे चलत भैया, पौराणिक काल भी उठा के देख लिया जाए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जवन चार युग कहत बा, हर युग में ये तरह का अत्याचार भइल बा। जैसे शंभू कने, हाँ श्री राम ने शंभूक की गर्दन को उतारा, सबलों ने निर्बलों को धोखे से है मारा, सुग्रीव को मिलाकर बाली का वध किए, वृंदा से भोग करके जालंधर को हत दिए।
राम सागर सिंह प्रधान, जिनके बेटवा का नाम बा सगुनिया। सगुनिया अयास प्रवृत्ति कर रहल। एक दिन के बात बा राम सागर सिंह के यहाँ हरवाही का काम करते लन छेदू राम। छेदू राम का लड़की जोन बा खेत से कुछ काम करके घर की ओर वापस लौटत रहल, बीच रास्ता में सगुनिया अपने हरवा छेदू राम के लड़की के देखलस। आ उसी जोन बटे मजाक बाजी शुरू कर दिलस, मजाक के लहजा में कहलस, कहना बा का कहना बा कि कभी बुझ नहीं सकती धधकती ये आग है, तो हम तो सीना खोल के तैयार है। बाबूजी मैं बताया सगुनिया जो है छेदू राम की बिटिया से मजाक शुरू कर दिया। मजाक करते हुए कहने लगा, क्या कहा, एक लाइन गीत बा तन से बढ़ा वो है गीत बा कि सैया भैले न से बाजावा हाई रे गाजावा, सैया भैले न से बाजावा। के तनी सा बदल के आजकल लोग आवत हुन काम केरे गजेड़ी बालमा हो, गजेड़ी बालमा हो ये गजेड़ी बालमा, रतिया सुतले में जगवले बा गजेड़ी बालमा, रतिया सुतले में जगवले बा गजेड़ी मजाक कर रहल बा छेदू के लड़की से सगुनिया। अब मजाक करके कह रहल बा काम कि अरे छेदू राम की बिटिया से करेला छेड़खनिया यही रे रनिया, अरे यही रे रनिया कुरवाया जाए बबूनिया, यही रे रनिया कुरवाया जाए बबूनिया। मैं बताया कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे की इज्जत को खिलौना मात्र समझते हैं, अपनी इज्जत को इज्जत समझते हैं। सगुनिया की हालत देखें, हरवा रहल तक का उकर इज्जत इज्जत ना हा, उकर लड़की लड़की ना हा, का उकर लड़की उनके खातिर के खिलौना बा। लेकिन हाय रे हरामी उस सगुनिया मजाक करके कह रहल बा कि हमके बर्बाद कैलस तोर सुरतिया, हमके बर्बाद कैलस तोर सुरतिया, हमके ढेर दिन से लागल बाटे तो से प्रीतिया, अब हंस के उतारे देबू अपन तू नथुनिया आही रे रनिया, मुस्का दे तू चवनिया आही रे रनिया। कहती है क्या है नादान भग जा यहां से, बड़े शरीफ घर के तुम बनते हो, तुम्हारा खानदान शरीफ बनता है, मैं गरीब की बेटी जरूर हूं, मेरा बाप जरूर तुम्हारे यहां हरवाही करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरी आबरू भी तुम्हारे नाम से नीलाम कर दी गई है, हट जाम। लेकिन सगुनिया हरामी कहे के मानो ऊ कैलस का कि जबर से धैलस पापी भरिया कंवरिया, रोई रोई घर बजा ले कहले छोकरिया, रोई रोई घर बजा ले कहले छोकरिया, रोई रोई घर बजा ले कहले छोकरिया। अरे बरू के माटी में मिला वलस सगुनिया यही रे रनिया, हमारी बाउर भैली दुनिया आही रे रनिया, नहीं माना सगुनिया राम सागर सिंह प्रधान का बेटा छेदू की लड़की की इज्जत लूट लिया। रोती हुई वो लड़की जाती है घर, परिवार वालों से सारी बात बताती है। गरीब छेदू राम सागर सिंह प्रधान के यहाँ जाता है, जाकर के हाथ जोड़ करके कहता है कि ए बाबू मैं आपके यहाँ हरवाही करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, आप और आपका बेटा जो चाहें सो कर सकते हैं,
क्या मेरी इज्जत आपके नाम नीलाम है? कह रहा है बेचारा छेदू राम कि कैले शिकायत छेदू जोरी दोनों हथावा के सबकी इज्जतिया बराबर ये प्रधान जी बेटा तुहारे लिहलस हमारी इज्जतिया हो परली विपता हमारा पर ये प्रधान जी मुआवा दिखाईब कैसे गौवा नगरिया में मुड़िया झुकल दुआरा पर ये प्रधान जी बतावा हम कैसे दुनिया के सामने समाज के सामने अपन मुंह दिखाई। अरे तनी अपन नियत बदल के रहा तेरी के भाव बा। हाँ बड़के बड़के दा आए कि अब इज्जत की ठेकेदारी ना चली। हाँ इज्जत की ठेकेदारी ना चली तो हरे राम से लड़ी है कलयुग के बनवारी। इज्जत के ठेकेदारी ना चली तो हरे राम से लड़ी है कलयुग के बनवारी। छेदू राम तो कह रहा बा अपन दुख अत्याचार जौन भइल बा उ बात लेकिन बाहरे राम सागर सिंह प्रधान कहत बाणन की गुमान में प्रधान कहा गुमान में प्रधान कहा वाहियात तुम्हारी मिन्नत है मेरे बेटे पर दोष लगाया गजब तुम्हारी हिम्मत है। ऐ छेदू सबके सामने आकर के दोष लगा रहे हो मेरे बेटे के ऊपर शर्म नहीं आती है तुम्हारी ये हिम्मत? अच्छा ठीक है भाई मान लो गलती कर दिया जाओ मैं अपने बेटे को समझा दूंगा। कहता है प्रधान कि तुम हट जाओ समझा दूंगा पर राज नहीं खुलने पाए इस प्रधान की मर्यादा पर हरगिज न आँच आने पाए। पर गर्म हवा का साथ मिला तो गर्म हवा का साथ मिला तो राख भी आग लगा देगी प्रतिशोध की ज्वाला चनकी तो संगमरमर तेरी जला देगी। जा रहा हूं हमारी हिम्मत देखते हो इज्जत लूट गई अभी हिम्मत की बात करते हो तो ठीक है वो समय आने वाला है बाबू अब ढेर दिन गधा जिलेबी ना खाई। बाह बा करल बा छेदू राम प्रधान से एक लाइन गीत बा तनि सा बढ़ जा आऊ है गीत बा कि बतावा प्रधान मुहर के करा पर मारी। रोडे पर मारी चक्कर रोडे पर मारी रोडे पर मारी चक्कर रोडे पर मारी रोडे पर मारी चक्कर रोडे पर मारी ड्राइवर कमजोर मुहर के करा पर मारी। ई तरहल गीत के नमूना लेकिन गनवा के अंदर भाव बा छेदू कह रहल बा राम सागर सिंह प्रधान से कि तुहार गुंडागिरी ई अब ना चली हो तुहार गुंडागिरी ई अब ना चली हो तुहार गुंडागिरी ई अब ना चली हो कहे मनुवादी व्यवस्था के दल ना गली हो तुहार गुंडागिरी ई अब ना चली हो तुहार करके न सवाम आयार कौन करे छेदू जा करके खेतवा तो गाली देती आइल सगुनिया छली हो तुहार गुंडागिरी अब ना चली हो तुहार गुंडागिरी अब ना चली हो तुहार गुंडागिरी अब ना चली हो। दो चार दिन के बाद छेदू राम
जाके खेत में आर कून का काम करत हुआ और तब तक से सगुनिया राम सागर सिंह प्रधान का बेटवा जाके और गाली देवे शुरू कैलन है, डांट के कहलन की है तेरी है मजाल, जा करके मेरे पिताजी से बता दिया, कह दिया मेरे को पिताजी डांट रहे थे, तो समझ लो आज के बाद अगर ऐसी हरकत करोगे, इस तरह की बात जा करके बताओगे, खाल खींच लूंगा, मारते मारते चमड़ी उधेड़ लूंगा। तो भैया मरता क्या न करता, एक तो गरीब अब वह में जाति का अछूत चमार ऊ जोन बटे तोन इज्जत लुटा गई, अब ही ऊपर से डांट पड़त बा, मारे क्रोध में छेदू राम वही खेतवे में सगुनिया के पटक के चढ़ बैठल, आ पटक के भर ही तकणबे कैलस, नशा भी पिए ले बा काहे कि आज कुछ वारा न्यारा होके करे के रहल, नशा में आग बबूला सगुनिया कैलस का कि ये नीच कहा बाबू से क्यों, सगुनिया डांट रहा है कि ये नीच कहा बाबू से क्यों, कहने में ना तुम डरते हो, मेरी रोटी पर जीने वाले इज्जत की बातें करते हो, हमारी रोटी पर जीने वाला तुम्हारी हिम्मत, बाबा सगुनिया की बात सुनकर के छेदू राम तुरंत करता है कि फावड़ा उठाया छेदू तब, फावड़ा उठाया छेदू तब गुस्से में आकर डांट दिया, आबरू लूटने वाली की उस खेत में गर्दन काट दिया, जो आबरू लूटा था लूटने वाले जो आबरू को था लूट लिया जो था, सगुनिया सगुनिया को पटक करके और उसकी गर्दन फावड़ा से उसी खेत में काट लेता है। तो प्रतिशोध चुकाया बेटी का, प्रतिशोध चुकाया बेटी का, तब छेदू घर से हुआ फरार, जालिम प्रधान कुछ सोच समझ ना रपट किया थाने में यार, गर्दन काट के छेदू जोनबा घर छोड़ के फरार हो गई, छिप छिप के रहे लगल, एहर जोनबा राम सागर सिंह प्रधान कुछ सोच समझ के एकर रिपोर्ट थाना में दर्ज ना करौलन, काहे कि इहो कुछ सोचले हुई हन, का सोचले हुई हन आगे कांड में भाव मिल जाई, घर से फरार छेदू राम एहर उहर छिप के रह लगलन। लेकिन कुछ दिन के बाद 24 जून 1993 के रात में छिप के परिवार से मिले बदे अपने घर अइलन है, और अचानक घर आने की सूचना जो है राम सागर सिंह प्रधान को मिल जाती है, तुरंत जो है वह निर्दयी प्रधान अपने बिरादरी के कुछ लोगों को लेकर के और छेदू के घर पर जाकर के छापा मार देता है। चूंकि रात्रि का वक्त था इसलिए रात्रि के वक्त में छिपते छिपाते हुए बचते हुए घर से छेदू राम फरार हो जाता है, और गांव के बगल में कुछ दूरी पर एक बागीचा था, उसी बागीचे में जाकर पेड़ पर चढ़ करके छिप जाता है। इधर पीछा करता हुआ राम सागर सिंह प्रधान और उसके साथी जिनके हाथों में हथियार थे, हथियार लिए हुए टार्च की रोशनी में देखते हुए उसी बागीचे में जाते हैं, और जब जाते हैं उस समय का भाव दिया गया है, एक लाइन कि राम के पीछा कर राम निर्दया हो, अइले बगनिया रे अइले बगनिया माझार ये बाबू, हाँ।
वही बागीचा में इन निर्दयी कुल पहुंचत हुवन, टार्च बार बार के देखत हुवन, ओहर त छेदू राम पेड़ पर चढ़ के छिपल बा। भइल हो का कि टार्च की रोशनिया में राम को देखे पापी, टार्च की रोशनिया में राम को देखे पापी, टार्च की रोशनिया में राम को देखे पापी। राम ही गोली मारे, राम ही गोली दिहले, मारे ये बाबूजी हो, एक तरफ छेदू राम और एक तरफ राम सागर, दोनों राम राम बाड़न। एगो राम पेड़ पर चढ़ के छिपल बाड़न अधेरी रात में, आ एगो राम राइफल लेके हाथ में टार्च लेके टार्च के रोशनी में राम के खोजत बाड़न मारे खातिर के। संजोग से राम के टार्च का रोशनी राम के ऊपर पड़ल, यानी छेदू राम पर पड़ल। और जब टार्च के रोशनी में देखलन है, पहले तब बोलवलन है, छेदू नीचे उतर आओ। लेकिन छेदू काहे के नीचे आवे, छिपल बाड़न पेड़ पर चढ़ल बाड़न, उतरत ना हुअन। मारे क्रोध में राइफल की गोली छूट पड़ी, छोड़ देते हैं सब राइफल चला देते हैं। जब गोली चला दिए, गोली लग गई छेदू राम को, छेदू राम नीचे गिर जाता है। और जब छेदू राम नीचे गिर जाता है, उस समय का भाव दिया गया है, तनी सा बढ़ जाओ अल्लाह के भाव बा कि अरे राम राज्यम, अब राम राज्यम रहल जवन, राम के नगर आये भैया, राम राज रहल जवन, राम के नगर आये भैया, राम राज रहल जवन, राम के नगर आये भैया। शेर यो हिरन, शेर यो हिरन कर आपस में प्यार, आयो ध्यान राम खातिर राम खैले गोली आये भैया, काहे नाही राम या के कैले गुहार, काहे नाही राम या के कैले गुहार, चलली दुबारा फिर से ठाय ठाय गोलिया ये भैया, लगल छेदू राम नीचे गिरल बाड़न। और ये निर्दयी छेदू राम के तुरते जोन बा कैलन काम के चिता सजौलन है, चिता सजा के वही चिता पर छेदू राम के रख देले बटन। हालांकि अर्ध जीवित है बेचारा, अभी सांस चल रही है, जीवित है, और उसी अवस्था में चिता पर ये निर्दयी जो है रख देते हैं, आग लगा देते हैं, नारा लगा रहे हैं, मगर अल्लाह का भाव बदल गया भैया। कहना बा के अरे जय श्री राम बोले नीचा हथियार, और झटपट बगिया में चितवा सजवले, अब झटपट बगिया में चितवा सजवले, तब लसिया के तोप दिए चितवा मझार, भैया लसिया के तोप दिए चितवा मझार, और तेलावा गिरा के मुंह में यगिया लगवले, अब मची चारू ओर घटना के हाहाकार, अब मची चारू ओर घटना के हाहाकार, चारों तरफ जो है हाहाकार मच जाता है। इतना जुल्म, इतना अत्याचार सबके सामने हो रहा है। भाग करके कुछ लोग पहुंचते हैं थाने पर, राम सनेही घाट थाने पर। खबर पाते ही पुलिस की तैयारी हो गई, डीएम को सूचना मिली, एसपी को सूचना मिली, पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय भी चल पड़े घटनास्थल की ओर। भाव देना पड़ा काम
कि तेलावा गिरा के मुंह में लगिया लगावले अब मची चारू ओर घटना के हाकार तो मौके पर डीएम प्रदीप आई गई ले मौके पर डीएम प्रदीप आई गई ले अब एसपी गुरु बच्चन लाल आए सरकार हो साहब बाराबंकी के डीएम प्रदीप भटनागर और तत्कालीन एसपी गुरबच्चन लाल ये दोनों लोग घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं मगर होता है क्या कि अरे अर्धदग्ध लसिया बरामद हो ही गई ली भैली कार्रवाई सो परीक्षण के आधार अरे भैली कार्रवाई सो परीक्षण के अर्धदग्ध आधी जली हुई अवस्था में वो लाश थी। लाश जो है पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर उन अत्याचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आखिरकार यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। समता मूलक समाज की स्थापना हेतु हम सतत प्रयासरत रहते हैं। नेताओं का यह जनता के सामने वायदा होता है समता मूलक समाज स्थापित करने का, तो क्या यही समता मूलक समाज है? यही समाज है? एक गरीब की बेटी बहन की इज्जत सरेआम संपन्न लोग लूट लें, अमीर लोग लूट लें और गरीब बेचारा देखता रह जाए? तो कहना है कि धन्य अयोध्या वासी राम, धन्य अयोध्या वासी राम, कलयुग वाले जय श्री राम, कटल त्रेता से नटैया समझ ल भैया, कटल त्रेता से नटैया समझ ल भैया, हो राम समझ ल भैया, हो राम समझ, कटल त्रेता से नटैया, कटल त्रेता से नटैया समझ ल भैया। युगों से यह अत्याचार उन लोगों का जारी है। राम के शासनकाल में शंबूक का वध किया गया राम के द्वारा। यह वाल्मीकि रामायण से स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो रामचरितमानस काखी में लेकर के तुलसी का गेरुआ धारी वस्त्र पहन के दे माथे पर टीका, ठीका में काटे दवैया समझ ल भैया, 302 का चला मुकदमा उन लोगों के ऊपर, लगी हथकड़ी जेल गए पछता नहीं करनी पर, उनके मिल जाइत सजैया समझ ल भैया, बाबा साहब भीमराव के पथ पर नहीं चलोगे, कांशीराम की बातों पर विश्वास नहीं करोगे, तजिए नादी है मुदैया समझ ल भैया, जय दखाड़ गुर जद्दू लौटन लालता वराधे श्याम, श्री नारायण सुदियाल सुबच्चन का पैगाम, इज्जत की ठिकेदारी ना चली,